वो जा चुका जो हम में से नहीं। अब तख्त के लिए खानदान में कश्मकश छिड़ जाएगी। में एक हरारत का एहसास हुआ मुझे। लगता है इसी एहसास का नाम ममता है, माँ है। क्योंकि मैं तुम्हारी रजाई माँ हूं। तुम सबने मुझसे झूठ बोला है, तुम सबने मुझसे झूठ बोला है। तो है शहजादा मोहसिन? कोई शहजादा नहीं हूं मैं, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। मुझे लगता है महल में कोई बात हुई। आपने एक ऐसे शख्स को शहजादा बना दिया जिसका खानदान से कोई ताल्लुक ही न था। आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो एक जुर्म है। तुम्हें तो सिर्फ इसकी फिक्र होनी चाहिए कि अपने जुर्म का हिसाब कैसे दोगे, अब किस राज का पर्दा डालोगे अपनी असलियत पर। राज तो खुल चुका, लौटने पर हिसाब बराबर करूंगा तुमसे। आपने इस मामूली आदमी का बेटा एक शहजादा बना दिया और हिसाब मैं दूं? आखिर ये है कौन? इन्हीं के बेटे को किस लिए चुना? सलाहुद्दीन में कौन सा जौहर पोशीदा है आप समझ नहीं पाएंगे। जाहिर है जो राज अपने सगे भाई तक से इतने बरसों तक छुपाया गया हो उसे कोई कैसे समझ सकता है। ये तो इस तरह का झूठ है जो न समझा जा सकता है न समझाया। आप तो झूठ के अंबार तले दब गए। ठीक ही कहती है दुनिया के आप लायक एतबार नहीं, और आज आपकी हकीकत सबके सामने खुल चुकी। बहुत हो गया, मेरे पास इस राज की वजाहत है, मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। किसी को भी इस मामले में आइंदा एक लफ्ज भी कहने की इजाजत नहीं दूंगा, और ये शख्स एक कदम भी महल से बाहर नहीं निकालेगा। लौट कर हिसाब बराबर करूंगा।